सीन कुछ ऐसा है कि आज से कुछ दिन कबल कराची से ताल्लुक रखने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और बोला कि भाई मैं लाहौर आ रहा हूँ। मैंने बोला मोस्ट वेलकम, और फिर उसका प्लान जारी रहा और वो लाहौर आ भी गया। और फिर हमने टाइमिंग डिसाइड की और हम चले लाहौर घूमने। तो भाई लाहौर घूमने फिरने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन सूरत में जब लाहौर के अंदर ठंड ना पड़ रही हो। तो भाई आज बहुत ज्यादा ठंड थी, सितम ये के सूरज भी नहीं निकला था। सो चलिए आप भी हमारे साथ लाहौर घूमिए। बादशाही मस्जिद की पिछली तरफ से हम बादशाही मस्जिद की तरफ रवाना दवा हुए तो हमें दाएं हाथ पर एक अखाड़ा नजर आया जो कि बहुत साल पुराना था। और यहाँ पर सख्त सर्दी में नौजवान मेहनत करने में मसरूफ थे। उन्हें शाबाश देकर हम निकले और चले मीनारे पाकिस्तान की जानिब। धुंध में लिपटे हुए मीनारे पाकिस्तान को देखकर हम बादशाही मस्जिद की जानिब चले और रस्ते में दो नंबर ट्रेन ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ से गुजरते हुए बाई जानिब पाकिस्तानी चीजों के स्टॉल भी नजर आते हैं, जहाँ पर बोतलों के साथ साथ पाकिस्तानी चिप्स और समोसे भी रखे हुए थे। और फिर आगे चलकर हमें दाई जानिब गुरुद्वारा भी नजर आया, जहाँ पर हमने अंदर जाने की इजाजत चाही, लेकिन हमें मालूम हुआ कि अंदर काम जारी है, इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते। गुरुद्वारे से आगे जब हम शाही किले की जानिब चले तो दाई जानिब वाकई कदीम दीवार के पीछे कदीम अमारात ने हमारा दिल मोह लिया। हम शाही किले के अंदर जाने लगे तो हमें मालूम हुआ कि शाही किले का टाइम सिर्फ 4:30 बजे तक था और हम 5 बजे तशरीफ ला रहे हैं, तो हम शाही किले के अंदर भी नहीं जा सकते। शाही किले से बाहर निकलकर हमने मुख्तलिफ बोर्ड देखे, जहां पर बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग और शाही किला लाहौर के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस बोर्ड से आगे गुजरकर हम बादशाही मस्जिद की जानिब रवाना दवा हो गए। आलमगीरी दरवाजे से निकलते हुए अजान शुरू हो गई, तो आप भी अजान सुने। डूबता सूरज, मीनारों से बुलंद होती अल्लाह अकबर की सदा, सर्दियों की एक खूबसूरत शाम और बादशाही मस्जिद के पहलू, ये सब चीजें मिलकर एक खूबसूरत समा पैदा कर रहे थे। और फिर हमने शायर मशरिक इलामा इकबाल रहमाहुल्ला के मकबरा पर हाजिरी दी। शाम के वक्त ये मकबरा भी अपने अंदर एक अजीब सी उदासी समोए बैठा था। आइए हमारे साथ मकबरे का विजिट कीजिए। बादशाही मस्जिद और मिजारे इकबाल में मुसलसल तामीराती काम जारी था। ये बंदा कराची से आया, ये भोसड़ी वाला पाकिस्तानी, इसने आइसक्रीम खोली है और शापर नीचे नहीं फेंका, शापर इसने हाथ में पकड़ लिया, बाहर जाके फेंकेगा। ये भाई मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपनी आइसक्रीम ली और रैपर मैंने फौरी नीचे फेंक दिया। भाई गंद डालो, ये हमारा कौमी विरसा है, यहाँ पर जितना हो सकता ना उतना गंद डालो।
ओ भाई तुम पे गद्दारी के फतवे लगवा दूंगा। शाम के वक्त बादशाही मस्जिद का दरवाजा भी एक खूबसूरत नजारा दे रहा था। चलें फिर लाहौर की एक खूबसूरत शाम से लुत्फ अंदोज होते हैं। अंकल व्हाट हैपेंड विद यू? यस कमल व्हाट हैपेंड विद यू? बेटा इंग्लिश के चंद्रवा जानता हूँ, ये पेठा है। व्हाट पेठा? स्वीट शुगर शुगर कर रहे हैं बस। हे ब्रो व्हाट इज दिस? की नजर आ रहा है। व्हाट इज दिस? समोसा। तातू जुतियां खोलिए मैं देखता हूं। कह रहे अपने अहम बुखारी में। हाय 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 क्या बात है। सच्चा सा। इन सब खूबसूरत नज़ारों से गुजर कर लाहौर की एक खूबसूरत शाम अपने इख्तिताम को पहुंची। तो बताइए क्या आपको भी ये वीडियो देखकर मज़ा आया?